हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जब आप दौड़ में जाते हैं तो आप जो है, ये आप ही नहीं दोस्तों, आपके साथ बहुत से दोस्त भी जाते होंगे, वो सभी जो है दौड़ते वक्त क्या होता है पता है? दौड़ते वक्त क्या होता है, कोई एक राउंड में बैठ जाता है, कोई दो राउंड में, कोई तीन राउंड में, कोई चार राउंड में बैठ जाता है, लास्ट लास्ट तक जा करके वो बैठ जाता है। इसका कारण क्या है कि वो जो है तीन राउंड तक तो पूरा दम लगा के दौड़ता है, तीन राउंड तक वो पूरा दौड़ लग माने दम लगा के दौड़ता है, लेकिन चौथा राउंड जैसे दौड़ता है तो क्या होता है, उसका पैर जो है काम करना ही बंद हो जाता है, यानी कि इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब अब हमसे चला नहीं जाएगा, अब हमसे दौड़ा नहीं जाएगा। तो इसका कारण क्या होता है, आज मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए, इसका कारण ये होता है कि आप तो है दौड़ने से पहले जो है थोड़ा एनर्जी कुछ ले लेते हैं, स्पंज या कोई भी चीज़, ग्लूकोन डी ये सब ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलता है, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिलता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक आप दौड़ लेते हैं। दौड़ते दौड़ते आपको पता नहीं चलता है कि हम कितना स्पीड दौड़ गए। तो इसीलिए होता है कि आप तीन राउंड जब दौड़ लेते हैं तो आपका पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, बॉडी काम करना ही कम कर देता है, जिसके कारण आपको दौड़ने में क्या होता है कि थोड़ा चौथा राउंड कठिनाई होता है। लेकिन वही कठिनाई अगर चौथा राउंड जो समझ जाता है, यानी कि जो चौथा राउंड सह जाता है कठिनाई, वहीं बूझिए कि आपका यहाँ दौड़ 100% निकल जाता है। तो ये क्यों नहीं होगा आपके साथ, ये किस कारण होता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, ये ज़्यादातर होता है आपको दौड़ प्रैक्टिस कम करते हैं, जब आप दौड़ प्रैक्टिस जो है कम करते हैं उसी कारण आपका होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके अपना दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका यहाँ ये प्रॉब्लम ना आए और आप आसानी से दौड़ निकालें और अपना सिलेक्शन लें। तो दोस्तों, आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि दोस्तों किसी प्रकार की समस्या है, डाउट हो, तो प्लीज़ हमें आप कमेंट में बताते रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट ये वीडियो बनाते रहूँगा और आपको समझाते रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।